फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी रसोई गीता की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक की एक नई रेसिपी। आपने पालक पनीर खाया होगा, आलू पालक खाया होगा, दाल पालक खाया होगा, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक और कॉर्न। तो मैंने ले लिया है पालक, ये 250 ग्राम पालक है, आप अपने हिसाब से ले लें। और ये पानी रख दिया उबलने के लिए। हम इसमें इसको डालेंगे पालक को और एक मिनट में निकाल लेंगे। ये हमारा पालक हो गया था सॉफ्ट। अब हमने इसको निकाल लिया है मिक्सर में। उसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल के साथ में इनको पीस लेंगे बिना पानी के। देखिए पालक हमारा पीस गया अच्छे से। अब हम एक पैन लेंगे या कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के गर्म करेंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया था, इसमें हमने डाला था जीरा, चटक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज और ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। ये हमारी फ्राई हो गई है प्याज, अभी इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे और इसमें हल्का सा नमक डाल के इसको सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। हमारी सॉफ्ट हो चुकी है शिमला मिर्च। हम इसमें अब हल्दी और धनिया डाल देंगे। नमक हम डाल चुके हैं और मिर्च मैंने पीस ली थी पालक के साथ। आप तीखा चाहते हो तो अपना और डाल ली पीसी मिर्च। आप अगर टमाटर ऐड करना चाहें तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया क्योंकि इसमें थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं आता है टमाटर का। अब इसमें हम पालक ऐड कर देंगे। इसमें हम पानी ऐड कर देंगे थोड़ा, ही जार में लगा हुआ था हमारा पालक, इसको लेके और इसको हम चला देंगे। अब इसमें हम अपने कॉर्न ऐड कर लेंगे। कॉर्न मैंने बॉईल कर लिए थे। इसे हम ढककर अब 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए पालक हमारा। ये हम इसमें मलाई ऐड कर देंगे। आपके पास अगर क्रीम है बाजार वाली तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। और इसे बस 2 मिनट के लिए और हम पका लेंगे। ये देखिए सर कितना अच्छा कलर आया है इसे मिक्स करने के बाद। ये देखिए पक चुकी है हमारी सब्जी अच्छे से। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये तैयार है हमारी रेसिपी। आप बनाइएगा, खाइएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।